नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी और समृद्ध हैं। आज हम लोग फिर से चर्चा करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। हम जानते हैं कि पिछले 6 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। बातचीत भी चल रही है, सीज फायर की कोशिशें चल रही है, लेकिन अभी भी युद्ध चल रहा है दोनों के बीच। इनफैक्ट जब से युद्ध शुरू हुआ है फरवरी के आखिरी हफ्ते से ही ये अभी जंग छिड़ी हुई है दोनों के बीच। हम लोग इसको मल्टीपल डायमेंशन से डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से हमने बात की थी कि सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि सनफ्लावर जो इंपोर्ट्स आया करते थे मेजॉरिटी यूक्रेन से आया करते थे, जो अभी हिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सनफ्लावर के प्राइसेस बढ़ेंगे, सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी इंडिया के टी एक्सपोर्ट्स भी हिट हो सकते हैं, क्योंकि चाय हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं टू रशिया, तो वहाँ पे भी ऑर्डर्स ठप हो जाएंगे। इसके अलावा क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, धीरे धीरे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इंडिया में पेट्रोल और डीजल के भी दाम धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं डेली, ये सब हम लोग जानते हैं। आज हम लोग उसी तरह की डिस्कशन करेंगे अबाउट निकल प्राइसेस। निकल एक मेटालिक एलिमेंट है, निकल के प्राइसेस को क्या हो रहा है और रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से कैसे दिस निकल प्राइजेस आर गोइंग अप, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसका क्या परिणाम हो सकता है ये डिस्कशन करेंगे। अगेन दिस इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक डिस्कशन, लेकिन इंडिया पे भी इसका परिणाम पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ईवी हेडेक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्यों हेडेक है, ये हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन, राइट। ऑफकोर्स अब देखिए, निकल के प्राइजेस अगर अप जा रहे हैं तो क्या केवल रशिया या केवल यूक्रेन निकल प्रोड्यूस करता है? नहीं। अगर रशिया से निकल नहीं आ रहा है तो हम लोग कहीं और से भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ईवी हेडेक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बहुत बड़ा हेडेक है, ये हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। इसी की वजह से इंडिया को भी एक विपरीत परिणाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी खुद की ईवी पॉलिसी चल रही है, 2030 तक सरकार ये कह रही है कि वी विल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो जो टारगेट है वो हैम्पर हो सकता है। इस डिस्कशन में जानेंगे हम लोग क्यों। That would be the agenda in this particular video. To get to know that information, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आई क्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आर वेबसाइट www.studyiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी हमारे कोर्सेज के बारे में। ये कोर्सेज हैं फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो आपकी मदद करेंगी टू प्रिपेयर साउंडली, आपकी क्लियरिंग प्रॉबिलिटी बढ़ाएगी, यानी कि एग्जाम आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, आपकी तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। और जब भी आप कोई भी कोर्स खरीदे स्टडी आई क्यू पे, डू यूज़ द कोड राहुल 33, कैपिटल RHUL 33 विदाउट एनी स्पेसेस। ये कूपन कोड इस्तेमाल करना है टू गेट 33% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज अक्रॉस स्टडी आई क्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी 6 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है, more than 40 days, एंड रशिया इज फेसिंग द हीट्स फॉर इट्स बच्चा किलिंग, राइट। ये एक मास किलिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी भी। सो वेस्ट इज पुटिंग अगेन स्ट्रिक्टर सैंक्शंस। तो इन सैंक्शंस की वजह से हम लोगों ने देखा है कि जो भी रशिया की खुद की करेंसी तो डाउन हो ही गई थी, लेकिन रशिया से जो भी एक्सपोर्ट होता था उनके प्राइजेस बहुत हद तक बढ़ चुके, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे निकल प्राइजेस के बारे में। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, रशिया एक मेजर प्रोड्यूसर है निकल का, तो जैसे ही सैंक्शंस लगे उसके बाद निकल प्राइजेस वर सेंट ऑन अ वाइल्ड वाइल्ड राइड बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये निकल है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया, निकल एक मेटालिक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 28, एटॉमिक वेट है 58.69, निकल का सिंबल है Ni, राइट। आई एम क्वाइट श्योर कि स्कूल केमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, राइट। निकल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है फेस सेंटर्ड क्यूब, एसिड बेस प्रॉपर्टीज है इसकी, राइट, और फिजिकल स्टेट इट इज इन सॉलिड स्टेट। अब निकल, आई एम क्वाइट श्योर कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इसको एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, सभी के घर में बर्तन तो होंगे। स्टेनलेस स्टील में सबसे ज़्यादा निकल इस्तेमाल होता है ग्लोबली, राइट। इन स्टेनलेस स्टील वी फाइंड निकल। इनफैक्ट अगर आपकी बस व्हीकल पड़ी हुई या फिर कोई भी आप जो चमकती हुई चीज़ देख रहे हैं, विच इज़ नॉट गोल्ड और सिल्वर, इट वुड बी निकल, राइट। निकलिंग हम लोग करते हैं, निकल प्लेटिंग इस्तेमाल की जाती है जिससे एक शाइनी अपीयरेंस आती है, तो निकल प्लेटिंग भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। निकल का इस्तेमाल करके हम लोग एलॉयज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एलनिको एक मैग्नेटिक एलॉय है जो हम लोग बनाते हैं, तो निकल एलॉयज में भी इस्तेमाल होता है। निकल की कास्टिंग भी बनते हैं, निकल दूसरे रिसर्च एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर आपको ध्यान दे रहे हैं निकल बैटरीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑल दो यहाँ पर मैंने केवल 3% दिखाया
है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दिस हैज ग्रोन ऑलमोस्ट डबल, 5-6% निकल इज बीइंग यूज्ड इन बैटरीज दीज डेज। तो बहुत एक्सटेंसिवली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इसकी प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगी तो इन सारी एरियाज में आपको इफेक्ट ज़रूर दिखेगा। अभी प्राइजेस ज़्यादा क्यों हो रही, देखिए रशिया अकाउंट्स टू अबाउट 11% ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ निकल एंड 20% or 21% ऑफ टॉप ग्रेड क्लास वन निकल, राइट। अब ये क्लास वन निकल क्या होता है, देखिए निकल की दो क्लासिफिकेशन होती है, क्लास वन निकल मतलब 99.8% से भी ज़्यादा जो प्योर होता है इट इज़ क्लास वन निकल, और इससे जो नीचे हो विथ इम्प्योरिटीज इट इज़ क्लास टू निकल, और बहुत से देश क्लास टू निकल ज़रूर बनाते हैं, लेकिन रशिया एक मेजर जायंट है, 1/5 ऑफ द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ क्लास वन निकल इट कम्स फ्रॉम रशिया। अब जब सैंक्शंस लगे, प्रतिबंध लगे रशिया के ऊपर, तो रशिया ने एक अनाउंसमेंट की, तो वो भी उन्होंने कहा कि हम लोग हमारे 200 प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं वो बैन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं भेजेंगे हम दूसरे कंट्रीज़ को। अब ऑल दो इसके अंदर निकल नहीं था, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई मार्च में, इसके बाद निकल के प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतने ज़्यादा बढ़ गए। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, दिस इज़ द प्राइस ऑफ निकल, राइट, पर टन यूएस डॉलर्स में, पर टन अप्रॉक्सीमेटली $22,000 प्रति टन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन जैसे ही युद्ध छिड़ गया यहाँ पे फरवरी के एंड में, तब से अगर आप यहाँ पे देखोगे निकल प्राइजेस इट शॉट अप, और एक समय था इन वन ऑन वन पर्टिकुलर डे इट इवन रीच $100,000, फिर से नीचे ज़रूर आया, लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें धीरे धीरे यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लंदन मेटल एक्सचेंज ने निकल की ट्रेडिंग को ही रोक दिया था, इतने ज़्यादा प्राइजेस हो गए तो निकल की ट्रेडिंग ही रुक गई। उसके बाद धीरे धीरे अभी ये एक लेवल पे आ चुका है, इट हैज़ कम टू अबाउट $33,000 पर टन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे युद्ध से पहले था 22,000 टन, अभी ये 33,000 टन पे आके रुका हुआ, यानी कि धीरे धीरे स्टैग्नेंट हो रहा है ऑन दिस प्राइस, इट इज़ स्टिल होवरिंग अराउंड 33,223 पर टन था April 1, 2022 को, राइट। सो अ वेरी 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 हाई इंक्रीज, राइट। बीच में तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी ट्रेडिंग ही रुक गई थी। अब सवाल ये उठता है कि सर निकल की प्राइजेस इतनी ज़्यादा जा रही है तो क्या क्या परिणाम हो सकता है। अगर हम लोग दूसरे देशों की बात करें, निकल प्रोड्यूसर्स ने बता दिया कि वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि रशिया से जो भी शॉर्टफॉल आएगी तो हम उस पर सप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निकल ये जो धातु है, ये जो मेटालिक एलिमेंट है, सभी जगह जहाँ पर भी ओर मिलेगा वहाँ से वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें, रशिया इज़ नॉट इवन द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल। अगर हम लोग बात करें हु इज़ द जायंट हियर, इंडोनेशिया इज़ द जायंट वर्ल्ड में, 30% जो निकल आता है दैट कम्स फ्रॉम इंडोनेशिया। अब रशिया इज़ ऑल्सो देयर, रशिया कम्स फ्रॉम नंबर 3, यहाँ पे 11% जो टोटल निकल आता है वो रशिया से आता है, इसके बाद फिलीपींस इज़ देयर। सो ऑफकोर्स देखिए, अगर एक जगह से नहीं आ रहा है तो हम लोग दूसरी जगह से ले लेंगे। हमारे साथ सनफ्लावर ऑयल की वही प्रॉब्लम हुई कि रशिया यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल आता था, राइट, पार्डन, यूक्रेन से आता था सनफ्लावर ऑयल, लेकिन उसके अलावा वी आर ट्राइंग टू साइन अ डील विद मर्कोसुर कंट्रीज, प्रेडोमिनेंटली अर्जेंटीना, लेकिन बहुत दूर है, डिस्टेंस की वजह से फिर से प्राइजेस ज़्यादा ये नहीं होंगे, लेकिन वी लुक फॉर एन अल्टरनेटिव। अब निकल के साथ भी यही होगा कि अगर मुझे रशिया से नहीं मिल रहा है तो मैं कहीं और से लूँगा, राइट। तो इसकी वजह से जो हम लोगों ने प्रोडक्ट्स देखे हैं, फॉर एग्जांपल देखिए स्टेनलेस स्टील हो गया, एलॉयज हो गए, प्लेटिंग हो गई, कास्टिंग हो गई, या फिर कोई दूसरी रिसर्च चल रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कुछ परिणाम नहीं होना चाहिए, राइट। जो भी प्राइस राइज हुई है फ्रॉम $22,000-$24,000 से $33,000 तक गया है, तो वो कंज्यूमर के ऊपर जा सकता है, यानी कि आगे चल के स्टेनलेस स्टील के भाव थोड़े से बढ़ सकते हैं, निकल प्लेटिंग के रेट्स बढ़ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, बट मार्जिनली बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू दी मार्केट रेट्स। लेकिन जो बैटरी में इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने आपको बताया 5-6% निकल अभी यूज़ किया जाता है फॉर इन बैटरीज, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइस राइज इन निकल ड्यू टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि निकल नॉर्मली देखिए बैटरी टेक में तो इस्तेमाल होता ही होता है, जो पुरानी बैटरीज थी यानी कि कन्वेंशनल बैटरी होती है, जैसे निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम बैटरीज, निकल मैंगनीज कोबाल्ट टाइप की बैटरीज थी, वहाँ पे तो निकल इस्तेमाल होता ही था। लेकिन अभी जो नई बैटरीज आ रही है लिथियम आयन की बैटरीज, उसमें भी निकल का इस्तेमाल होता है,
निकल अगर वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हमें हायर एनर्जी डेंसिटी, ज़्यादा स्टोरेज मिलती है, उसका वजन कम कर सकते हैं, बैटरी का वजन कम कर सकते हैं, यानी कि इम्प्रूव्ड एनर्जी डेंसिटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीजेस, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज़रूरी है। कम से कम साइज में, कम से कम वेट में मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और उसके लिए हमें निकल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और पिछले कुछ सालों में तो मैंने आपको बताया निकल यूसेज इन लिथियम आयन बैटरीज हैज़ इंक्रीज, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी चल रही है, और स्ट्रेंजली इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल हेडेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो चुका है। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ निकल इन द वर्ल्ड इज इंडोनेशिया, लेकिन वहाँ पे भी केवल 7% जो निकल आता है, क्लास वन निकल, दैट मीन्स बैटरी ग्रेड निकल जो आता है वो इंडोनेशिया बहुत कम आता है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे शेयर है इट इज़ ऑफ द रशियंस। इनफैक्ट रशिया की एक ही कंपनी है, रशिया की नॉर्सलिक निकल जो है, इट अलोन प्रोड्यूसेस 17% ऑफ द वर्ल्ड्स क्लास वन निकल। इमेजिन, एक ही कंपनी है रशिया की नॉर्सलिक निकल, वो 17% पूरे विश्व का निकल, क्लास वन निकल प्रोड्यूस करती है जो बैटरी टेक में इस्तेमाल होता है। और दिस इज द प्रॉब्लम, इसकी वजह से अब क्लास वन निकल के प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो सप्लाई है ऑफ क्लास वन निकल इंडोनेशिया हैज स्टार्टेड 2021 से वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इस स्तर पे नहीं पहुंचे कि वो रिप्लेस करे दी रशियन माइट इन टर्म्स ऑफ क्लास वन निकल। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है उसको, उसके ऊपर एक विपरीत परिणाम ज़रूर पड़ेगा। अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, इंडिया में जो भी देखिए बैटरी टेक हो गई, ईवी व्हीकल्स की डेवलपमेंट हो रही है, देयर वी कैन हैव अ सेपरेट डील विद द रशियंस, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई जो हम लोग बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी में ही बहुत सारी रिसर्च चल रही है, राइट, लिथियम आयन बैटरीज जहाँ पे निकल का इस्तेमाल होता है, एंड इट इज़ हैपनिंग इन दी एडवांस कंट्रीज, राइट, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज, तो वो ज़रूर हैम्पर होगा। यानी कि एंटायर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है वो कुछ साल पीछे चला जाएगा अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। और अगर रशिया, समझ लीजिए, 200 प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट उन्होंने बंद किया था, इमेजिन अगर वो क्लास वन निकल का एक्सपोर्ट भी बंद कर दे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर जो है कम से कम 5 साल पीछे चला जाएगा, अप्रॉक्सीमेट नंबर। तो लेट अस वेट एंड वॉच क्या होगा, रशिया यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा, निकल के प्राइसेस कब बैलेंस आउट हो जाएंगे, कब प्री वॉर लेवल पे पहुंच जाएंगे, इसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। बट नॉनदलेस दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट एडवर्सली ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स फॉर श्योर। इसके बारे में जब भी कोई खबर आएगी, कोई अपडेट आएगी, तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी आई क्यू। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।